नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको शरीर से रस रक्त क्षय होने के कारण आपका शरीर जर्जर हो जाता है, दुबला पतला होता है, इसके बचाव के लिए आज मैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर बीपी गुप्ता होम्योटेक अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, शरीर से किसी प्रकार का रक्त निकलता है, रस निकलता है, रस का मतलब आपके शरीर से स्वप्न दोष हो जाता है, स्वप्न दोष होने के बाद उसमें से वीर्य संकलन होता है या अतिसार बहुत दिन तक चलता रहता है आपका, उससे आपका शरीर दोस्तों क्षय हो जाता है, दुबला पतला हो जाता है, जर्जर हो जाता है, बहुत कमजोरी आ जाती है दोस्तों। इसके बचाव के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन चाइना एक बहुत सुपर मेडिसिन दोस्तों, इससे आप बच सकते हैं, आपकी तंदुरुस्ती फिर आ सकती है, आप बलवान हो सकते हैं, आपकी कमजोरियां दूर हो सकती है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ऐसा होता है कि अफरा भी हो जाता है, पेट फूलता है, इस चाइना में आपका पेट फूलता है, अफरा हो जाता है, पेट दोस्तों पूरे पेट को फूल जाना ही चाइना मेडिसिन का एक सुपर, चाइना एक सुपर मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपका पूरा पेट फूल गया, पेट में दर्द नहीं होगा, आप परेशान हो जाएंगे, इतना पेट फूल जाता है दोस्तों कि आपके मुंह से बोली तक नहीं निकल पाती, आप घूमते रहते हैं, टहलते रहते हैं, आपके शरीर में बेचैनी हो जाती है दोस्तों। तो पेट का फूलना, पूरे पेट का फूलना एक बहुत आपके लिए खतरनाक सिद्ध होता है दोस्तों। उसमें दोस्तों हमारा ऐसा होता है कि अगर हम कभी कोई फल खा लेते हैं तो चाइना में ये लक्षण है दोस्तों कि अगर हम फल खा लिए तो ये फल हमारा पचता नहीं है, अजीवन के रूप में ये हमारे पेट से बाहर निकल जाता है, उसमें अतिसार हो जाता है दोस्तों। अतिसार में दोस्तों आप जब भी कोई फल फ्रूट खाते हैं तो उसमें आपका पेट फूल जाता है, वो पचता नहीं है, अजीवन पदार्थ उसमें से निकलना शुरू होता है दोस्तों। उसके लिए हमारा चाइना एक सुपर मेडिसिन। चाइना में दोस्तों उसका एक सिम्टम्स ऐसा ही है जो फल को पचा नहीं पाते हैं, आप कोई सा फल खाएंगे आपको नुकसान कर देगा, या तो पेट फूल जाएगा या अतिसार हो जाएगा। तो इससे आप बचते हैं, तो बचने की वजह से क्या होती है आपको, अगर फल नहीं खाएंगे तो थोड़ी कमजोरी महसूस होगी, वीकनेस आ जाएगा, आपका शरीर दुबला पतला होगा। इस चीज से बचने के लिए हम, और इस चीज को खाने के लिए, फल को खाने के लिए दोस्तों हम चाइना का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि रक्तस्राव हो जाता है, रक्तस्राव में कहीं से भी अगर आपका ब्लड निकलता है उसमें थक्का थक्का जन्म लगता है, महिलाओं का जो प्रसव होता है दोस्तों उसमें रक्त निकलता है तो रक्त निकलते ही थक्का बच जाएगा, उनकी जो फूले होती है नहीं निकल पाती है, जिसके लिए नाना प्रकार मेडिसिन चलाते हैं। तो यह हमारा मेडिसिन चाइना अगर इसमें प्रयोग करते हैं तो प्रसव के बाद महिलाओं का फूल जो अटका रहता है वो बाहर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि प्रसव के बाद ब्लड ही नहीं रुकता है, और वह ब्लड जब गिरता है तो बाहर आकर थक्का बच जाता है, उसमें हमारा चाइना जो होम्योपैथिक मेडिसिन है बहुत सुपर काम करता है दोस्तों। अगर इस तरह की पोजीशन आए तो एक बार आप चाइना का इस्तेमाल करके देखिए,
बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तों, उसमें सिर दर्द भी आता है दोस्तों। अगर आपका सिर दर्द हो गया, लगता है कि कोई हथौड़ी से सिर पर मार रहा है, उसमें भी हमारा ये चाइना बहुत बढ़िया मेडिसिन है। चाइना बहुत बढ़िया फायदा करता है दोस्तों। दांत दर्द होता है दोस्तों, दांत दर्द में ऐसा होता है कि जैसे आप दांत में उंगली से दबाएंगे तो दर्द महसूस होगा, जैसे जान निकल गई। लेकिन दांत पर दांत बैठाकर दाबेंगे तो उसमें दर्द महसूस नहीं होगा दोस्तों। तो चाइना का ये भी हमारा सिस्टम है, सिम्टम्स है दोस्तों, कि जो उंगली लगाते ही दर्द बढ़ जाएगा दांत का, और दांत पर दांत बैठाकर दबाएंगे तो कुछ महसूस नहीं होगा, कोई दर्द नहीं होगा। तो दोस्तों हमारा चाइना जो होम्योपैथी मेडिसिन है उसका डोज है दोस्तों चाइना 200, दिन में चार बार लेना है दोस्तों, जिससे सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाएगी और आपकी शरीर सबल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, बलवान हो जाएगा दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो और बना सकूं जो आप सभी के लिए लाभदायक हो। धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।